इतनी बारिश में कहाँ चली गई है पल्लवी? कुछ सवाल बदनसीब होते हैं आकाश, बिना जवाब के भटकना उनकी किस्मत होता है। से क्या हुआ? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? हेलो, हाँ जी अंकल। आकाश, वो पल्लवी फोन नहीं उठा रही, कब से मैं उसका नंबर ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ है? पल्लवी अब तक घर नहीं आई। आई डोंट नो अंकल, कहाँ चली गई है वो? फिर पता नहीं बेटे, मैंने वो शादी का बम फोड़ दिया, कहीं उसे गुस्सा तो नहीं चढ़ी है? तुम्हें पता है ना पल्लवी का गुस्सा कैसा है। हमारी रियलिटी ये है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते आकाश, हम साथ नहीं हो सकते। टेंशन मत लीजिए, वो घर आ जाएगी। शायद होटल चली गई हो, काम में बिजी हो गई हो। और आप फिक्र मत करो अंकल, जितनी आप पल्लवी की चिंता करते हो, पल्लवी भी आपकी उतनी ही चिंता करती। अब तो आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। अंकल आप खुश तो है ना? खुश तो हूँ बेटे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मुझे हमेशा उसकी चिंता रहती है। अब तक घर भी नहीं लौटी है, और अगर उसने शादी के लिए मना कर दिया तो क्या होगा? कौन रखेगा उसका ख्याल मेरे जाने के बाद? ऐसा नहीं कि मैं बस उसकी शादी करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसे कोई जीवन साथी मिले, कि उसे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। अगर उसका फोन आए तो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए अंकल, पल्लवी इस शादी के लिए कभी मना नहीं करेगी। सिद्धांत पल्लवी के लिए परफेक्ट है, और उसकी शर्तों के लिए भी। क्या ठीक है? पल्लो, थैंक यू। ऐसे जाओगी पापा के सामने तो वो दुखी हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। ये ले टिश्यूज, इससे पहुंच। अब बता क्या बात हुई आकाश से? प्यार करता है मुझसे। और तू? मैं भी करती, पर हम साथ नहीं हो सकते मॉन्टी। मैं पापा को नहीं छोड़ सकती, ना उसके लिए ना किसी के लिए। बस इतनी सी कहानी है, बाकी सब जाने दे। तू ना सच में पागल है। तुझे ना बचपन से जानता हूँ मैं, अच्छे से आइडिया है तुझे। ये जो फीलिंग्स है ना, इससे पहले कभी नहीं आई है तुझे, किसी के लिए भी नहीं आई है। अपने आप को दबा के रखा है तूने हमेशा से। और फिर भी आकाश का प्यार चुपचाप बिना आहट किए घुस गया ना दिल में। ढूंढ लिया ना उसने तुझे, और तू है कि उसे जाने देगी? ये मामूली बात नहीं है पल्लो, कुछ तो है उसमें और तुझ में। तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हो यार, समझ आ रहा है ना तुझे? देख तेरा दिल जानता है, लेकिन तू मुंह फेर रही है सच्चाई से। और ये तेरे इमोशंस, इन सबको तू सबको ऐसे ही सैक्रिफाइस कर देगी। तुझे प्यार हुआ है पल्लवी, पहली बार तुझे किसी से प्यार हुआ है, एंड यू विल पुट एन एंड टू इट। तो ये चैप्टर को ऐसे ही खत्म कर देगी। तो मतलब पल्लवी को ऐसा एक लड़का चाहिए जो शादी के बाद उसके साथ उसी के घर में रहे, और तू ऐसा एक लड़का उसके लिए पसंद करके आ गया। प्यार करती है कि नहीं वो तुमसे? पता नहीं, उसने बताया तो आपको, उसने मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, नहीं कहा उसने कुछ, बस ये कहती रही कि हम लोग साथ नहीं हो सकते। लेकिन चाचू, मैंने उसकी आंखें देखी थी, उसकी आंखें ना बहुत कुछ कह रही थी। अब क्या चाचू, वो मेरे साथ नहीं हो सकती, और मैं किसी और के साथ नहीं हो सकता। ये प्यार में खुद को सैक्रिफाइस करना, मर मिटना, फिर दर्द भरे गाने वाली बात मैं नहीं मानता है। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन हम क्या करें? पता है पल्लवी ने एकदम सही कहा, इसमें ना मेरी गलती है ना उसकी ही। मैं ना अंकल को बता रहा हूँ। मॉन्टी प्लीज, तू दोस्त है ना मेरा, तो किसी से कुछ नहीं कहेगा। मॉन्टी तू इसे सैक्रिफाइस बोल चाहे जो बोल, पर मेरे लिए पापा सब कुछ है। उनके आगे कोई रिश्ता नहीं आता और मैं उनको उनके आंगन में अकेला छोड़ के कभी किसी के लिए कहीं नहीं जाऊंगी। तू इससे सैक्रिफाइस बोल चाहे जो बोल, यही चाहा है मैंने हमेशा से। और कभी कभी सोचती हूँ मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, कहीं ये फिर से अकेले ना पड़ जाए। आकाश की पसंद के बारे में फिलहाल मुझे कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन वो भी ऐसी ही लड़की चुनेगा जो परिवार को बांध के रख सके। और आकाश की फैमिली को देखा है मैंने, सब लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आकाश से। मॉन्टी तुझे पता है उन्हें आकाश के लिए ना एक टिपिकल बहू चाहिए, जैसे सबको चाहिए होती है। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर मैं उनकी बहू बनने के लिए पापा की बेटी बनना कभी नहीं छोड़ूंगी। तू ना बहुत अलग है, सबसे अलग है। मैंने ना और लोगों को भी देखा है जो अपने माँ बाप से लड़ जाते हैं अपने मन की करने के लिए, अपने पसंद की शादी, अपने पसंद का प्यार। लेकिन तू पहली है जो अपने पापा के साथ रहने के लिए अपने फीलिंग्स को मार रही है। मॉन्टी प्लीज पापा को कुछ मत बताना। पापा को क्या मत बताना? क्या छुपा रही हो पापा से? गलती तो वहां है, उसने हमें मिलाया ही क्यों जब साथ नहीं रख सकता था? आकाश ने पल्लवी को प्रपोज किया और पल्लवी ने ना कह दिया। तनु ये क्या लगा रखा है? कुछ बोल नहीं रही हो, सब ठीक तो है ना? ऑल ओके? अरे पापा आज 31 है ना, तो मम्मी ने ना बोलने वाला व्रत रखा है। लेकिन क्यों? पल्लू मासी के लिए ऐसा करेंगे तो पल्लू मासी हाँ बोल देगी। अच्छा, लेकिन ये तुझे किसने बताया? शादी का या मम्मी के व्रत का? बेटा तो अपने मम्मी के टाइप के सवाल क्यों पूछ रहा है? ऑब्वियसली पल्लू मासी की शादी का। नानू ने। ओह That's good news. क्या बात कर रही हैं? रिश्ता? उस 12 सिंह वाली लड़की के लिए रिश्ता? मानना पड़ेगा रेखा जी, इस शहर में पागलों की कमी नहीं है। अरे वो लड़की तो शादी के लायक है ही नहीं। Actually, मैं भी थोड़ी हैरान हो गई थी, इसीलिए आपको फोन किया। सोचा आपसे चेक कर लेती हूँ, कहीं गलती से आकाश के साथ तो नहीं। अरे अरे आपकी जुबान को मधुमक्खी काटे। अरे क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा कहा जाता है, मतलब सामने वाले की कही हुई बुरी बात कहीं सच ना साबित हो, इसलिए ऐसा कहा जाता है। बाकी तो ईश्वर की कृपा है और टीवी सीरियल की दी हुई शिक्षा कि ऐसी नागिन को घर में कतई नहीं घुसने देना चाहिए, और आकाश जैसे लड़के के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो मेरे साथ नहीं हो सकती और मैं किसी और के साथ नहीं हो सकता। उसने हमें मिलाया ही क्यों जब साथ नहीं रख सकता? आप किसी पार्टी में आ रही है ना, तो मिलते हैं फिर। मिलते हैं। दीदी सुन लिया है सब मैंने, अब मंदिर जाकर मैं वापस आ रही हूँ। फिर शाम को 31st का फैमिली डिनर भी प्लान करना है। हाँ फ्लास्क लेके आओ। पल्लवी तुम भी आ गई, तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। यहाँ एक लास्ट मिनट बुकिंग है। कौन है, क्या ओकेशन है? एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट है, अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके आ रहा है। तुमसे बेटर इसे कौन हैंडल कर सकता है, राइट? Got it. Ah, there you go. Thank you. What about the flowers? Red roses or white lilies? Red roses. Red roses. Thank you. आकाश, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या हुआ? Am I wearing something wrong? नहीं वो मुझे एक्चुअली रात भर सो नहीं पाया ना, तो इसलिए हम आस्किंग कि कुछ जल्दी जल्दी में मैंने कुछ गलत ना पहन लिया। बट आई थिंक आई एम वेयरिंग लुकिंग फाइन। क्यों नहीं सो पाया आकाश? आकाश आई एम सॉरी, मैं मुझे सच में नहीं पता चला। और मैं पल्लवी रिलैक्स, मैं सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकू, अरे मेरा नेफ्यू उसके साथ वीडियो गेम्स खेल रहा था रात भर। प्लीज रिलैक्स एंड काम करते हैं यार, लेट हो रहे हैं। हाँ प्लीज हेल्प मी आउट। समझ नहीं आ रहा, सब नॉर्मल है या क्या चल रहा है आकाश के मन में? पल्लवी, मैं क्या सोच रहा था फॉर द मेन्यू, व्हाट डू यू थिंक? स्पेशल टिक पल्लवी। हाँ काम हो गई तुम। प्लीज हेल्प मी विद द मेन्यू ना। व्हाट डू यू थिंक, तंदूरी चाट या फिर सैलेड? और इफ यू हैव एनी बेटर ऑप्शन। पल्लवी मैं ठीक हूं सीरियसली, और तुम भी। लेट्स मूव ऑन यार, जो भी हुआ सबसे। और ऐसा सोच के देखो ना कि जो रिश्ता शुरू ही नहीं हुआ था उसे खोने का क्या कर। लेकिन आकाश में आंटी मम्मा अब कैसे? आज अब वो मंदिर जाने के लिए निकली थी तो सोचा तुझे ये देती भी चली जाऊं, तेरे फेवरेट छोले कुलचे। ओ माँ भीना, क्या जरूरत थी, लंच कर लेता ना ऑफिस में। नमस्ते आंटी। नमस्ते। सॉरी, इट्स ओके, मैं वॉश कर लूंगी। या जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल कम। हाँ या श्योर। आकाश तो बिजी लग रहा है। हाँ थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ये खा जरूर लेना। जी हाँ? जी डोंट वरी। हाँ जी हाँ जी। चलो 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 चलो। अरे क्या कर रहे हो बताओ ना। आराम से आराम से आराम से, बस 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 एक मिनट। नाउ ऑन थ्री ओपन योर आईज, 1 2 3। Beautiful वरुण, congratulations, तुमने फिर से जॉब पे जाना शुरू कर दिया। तुमने इतना बड़ा स्टेप लिया है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई लव यू सो मच वरुण। आई लव यू टू। दिस वाज गुड बट यू नो व्हाट, पल्लवी से मिलकर तुम्हें पता चला दैट शी इज रियली स्पेशल। ये नहीं पल्लवी है, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। बाय द वे आई गेस आप दोनों दूसरे सब तक मिले नहीं है। सिद्धांत पल्लवी और हेड शेफ, एंड पल्लवी डॉक्टर सिद्धांत। एनीवे गाइस, ये टेबल खास आप दोनों के लिए अरेंज किया गया है, सो प्लीज फील एट होम। या एंड पल्लवी, डॉक्टर साहब से जो मन चाहे बात कीजिएगा। आप लोग पहली बारी मिले हैं तो Not even you. या? बाद में ये मत बोलना कि आकाश ने बोला नहीं, राइट? और आप दोनों को यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यू विल गेट योर ओन प्राइवेसी मैम। पल्लवी। थैंक्स आकाश। अरे सर आप इधर फोकस कीजिए। मैडम आपसे पूरी की पूरी क्विज खेल सकती है। Really? Bring it on. I'll just wash my hands and come, if you permit. Okay. Not done, Akash. मुझसे कोई सवाल मत पूछना। आपके पापा का आइडिया था कि आप दोनों को एक बारी मिल लेना चाहिए, इसलिए यहीं पे अरेंजमेंट करवा दिया। पापा तो कुछ भी करते हैं, वो तो अनप्रेडिक्टेबल है ही, पर एटलीस्ट तुम तो मेरे साइड हो सकते हो। तुम्हारी साइड पे था पल्लवी। मुझे बता सकते थे ना। बताया था, तुमने सुना ही नहीं। आकाश तुम क्यों कर रहे हो ये सब? पल्लवी, पल्लवी रिलैक्स। I'm fine, मैं ठीक हूँ। और सिद्धांत अच्छा लड़का है, मैंने खुद बात करी है उससे, तुम्हें खुश रखेगा। एक बार उससे बात करके देखो, उसे मौका देके देखो, ट्रस्ट मी इवन यू विल लाइक हिम। बैठे। सेल्फी तो बनती है। हाँ। एक मिनट यार ये बड़ी डल जैकेट है, 2 मिनट तो चेंज करके आता हूँ। वरुण यार क्या ना? एक मिनट। वरुण इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैसेज आया है। अब देखो तुम दीप्स क्या फोटो आएगी। ये हुई ना। हाँ चलो। कैसा लग रहा हूँ? दीप्स सॉरी। अरे अंकल आप धीरे धीरे बैठ जा। क्या हुआ अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पल्लू की रिपोर्ट बना रहा हूँ, लेकिन अगर उसे पता चल गया मैं उसकी रिपोर्ट बना रहा हूँ ना तो वो मेरा रिपोर्ट बिगाड़ देगी। पर कुछ नहीं, तुझे दिख रहा है ना, तो फिर बता दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हंस रहा है अंकल। गुड। अच्छा सुन, तुम्हें कैसा लगा? पल्लू पसंद करेगी इसे? दिखने में तो गुड लुकिंग है अंकल, है ना? बट क्या बट? अरे नहीं, वो एक बार पल्लू किसी से मिल ले और उसे एक बार में हाँ कह दे, ऐसा तो होगा नहीं ना अंकल? तो मैं क्या करूं, उसे घर बुलाकर बिठा दूं फ्रिज की तरह? देख रही हूं इधर। खड़ी हो जा, कवर कर मुझे। दोनों के पास जा और बातें सुन। मुझे बता कि वो दोनों क्या क्या बातें कर रहे हैं। और ये आकाश कहाँ चला गया इन मौके पर? आपको क्या लगा आप यहाँ छुप के बैठे रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? ना बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट क्या डिसाइड किया बेटे? तुम्हें सिद्धार्थ पसंद है या एक दो मीटिंग और चाहिए तुम्हें? अरे आकाश भी यहीं पर है। आकाश आजा। जी जी अंकल। चलो अब आकाश भी यहाँ है, हम भी यहाँ हैं। क्या डिसाइड किया है? सिद्धांत पसंद है? पापा कोई एग्जाम थोड़ी ना है। पता है, फिर भी थैंक यू पल्लवी जी, आकाश को ना कहने के लिए। आंटी आपको पता था? हाँ, माँ हूँ, सब पता रखना पड़ता है। बट ये काफी नहीं होगा पल्लवी। अपने बेटे को जानती हूँ, उसकी उम्मीद तब तक तुमसे बंधी रहेगी जब तक तुम किसी और को हाँ नहीं कह देती। सुना है रिश्ता है तुम्हारे लिए। पल्लवी मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अच्छी लड़की हो, बस मेरे परिवार के लिए सही नहीं हो। सॉरी दो टूक ये सब कहने के लिए, पर मैं कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती कंफ्यूजन के लिए। पल्लवी मैंने आकाश को कहते सुना है कि वो सिर्फ तुम्हारे सिवा किसी और के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। ये तो ठीक नहीं है ना पल्लवी कि वो इसी उम्मीद पे अटका रहे। तुम उस रिश्ते के लिए हाँ कह दोगी तो उसकी उम्मीद भी टूट जाएगी और तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको डॉक्टर सिद्धांत पसंद है, हाँ। आकाश को भी अगर पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा। यस यस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.